आपने एक न्यू लैपटॉप खरीदा है जिसमें सारे पोर्ट यूएसबी 3.0 है और आपने सुना होगा एडीबी ड्राइवर यूएसबी 3.0 पे काम नहीं करता है, या फिर आपका राइजन प्रोसेसर का लैपटॉप है, आपने जरूर गूगल किया होगा, आपको सॉल्यूशन मिला नहीं वहाँ पे, आपने यूट्यूब में भी सर्च किया होगा लेकिन आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला अभी तक। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या आप एडीबी ड्राइवर यूज़ नहीं कर सकते हो अपने लैपटॉप में? जी हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, उसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताया हूँ। तो मैं ये मानता हूँ आपने अभी तक एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया होगा अपने लैपटॉप में। आप एडीबी ड्राइवर कंसोल को ओपन करते हो, यहाँ पे आप एडीबी डिवाइसेस लिखते हो और आपकी डिवाइस रीड भी होती है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। एडीबी रिबूट बूट लोडर भी करते हो तो आपकी फ़ोन रिस्टार्ट होती है बूट लोडर मोड में, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बूट लोडर मोड में फास्ट बूट डिवाइसेस करते हो तो आपकी डिवाइस रीड नहीं होती है। यहाँ पे मैं TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं TWRP रिकवरी फाइल फ्लैश करने जाता हूँ तो यहाँ पर ये वेटिंग फॉर डिवाइस पे आके स्टक हो जाता है। एक और इशू आता है जहाँ पर आप फ्लैश करते ही आपकी फ़ोन रिस्टार्ट हो जाती है, तो इस इशू को फिक्स करने के लिए आपको एक USB कंट्रोलर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बैट फाइल है, इस फाइल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ इस बैट फाइल को इंस्टॉल करना होगा। आप इसको इंस्टॉल करो, हो सके तो एक बार PC रिस्टार्ट कर लेना, फिर दोबारा ट्राई करना, आपका एडीबी ड्राइवर वर्क करेगा। Thank you.